हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा. कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे और अच्छा रहने की कोशिश कीजिए. अब तो लॉकडाउन ओपन हो गया है बहुत सारे रिलैक्सेशन के साथ, ठीक है. आप उसको फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, तभी आप कोविड-19 से अपने आप को बचा पाएंगे. ओके, नाउ आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. हमारा कोर्स टू का सीरीज चल रहा था, कोर्स टू कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन. ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन. मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे, है ना, इवन यूनिट 4th के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं. अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है या उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए. और जो भी प्रॉब्लम हो आप उस वीडियो में कमेंट के थ्रू मुझसे तक पहुंचा सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम. ओके, तो आज का नया टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं मिड डे मील स्कीम, जिसको हम MDMS बोलते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो बीएड होल्डर्स हों या बीएड कर रहे हों, चाहे बीटीसी कर रहे हों, चाहे सीटेट का एग्जाम दे रहे हों, किसी भी तरह के जितने भी ऑल टीचिंग कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सब में मिड डे मील पूछा जाता है. तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस एफर्ट्स को लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले. नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज का जो टॉपिक है मिड डे मील, तो हम मिड डे मील के बारे में बात करते हैं. मिड डे मील इन द सेंस की मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि जो मिड में दिन के मध्य में भोजन कराया जाता है बच्चों को स्कूल में, वो मध्याह्न योजना भोजन योजना है. और इसी का इंट्रोडक्शन है. हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. तो आपको पता है कि 28 नवंबर 2001 को हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, उसने स्टेट गवर्नमेंट को, वी डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम बाई प्रोवाइडिंग एवरी चाइल्ड इन एवरी गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट असिस्टेड प्राइमरी स्कूल. तो पहले ये जो मिड डे मील स्टार्ट हुआ था, आपको बता दूं कि मैं क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए स्टार्ट हुआ था. और क्लास 1 से 5 तक के जो स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे, वहां की चाहे राजकीय गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, इस मिड डे मील की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, ठीक है. लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इन सब चीजों में सक्सेस नहीं मिली, ठीक है. तो इस पे काफी वर्क हुआ है और ये वर्क इसीलिए हुआ है कि हम प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट कर सके, है ना, जिससे प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल लेवल पर सभी तक पहुंचाई जा सके. इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, ठीक है. ये कहा गया था 2001 28 नवंबर को, ठीक है, मिड डे मील. तो यानी कि जो भी देश का हर बच्चा होगा, आपके स्कूल का जो बच्चा होगा क्लास 1 से लेके 5 तक, उसको एक अच्छा पौष्टिक भोजन मिले, ताकि वो पौष्टिक भोजन करके अपनी शिक्षा को प्रॉपर ग्रहण कर सके और उसकी कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके. तो ये तो इंट्रोडक्शन था. थोड़ा सा और बात करते हैं मिड डे मील पे. बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी. आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. नाउ विद इन 10 ईयर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन वॉज मेड फॉर द कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल दी 6 to 14 ईयर्स ऑफ. आपको पता है कि SSA सर्व शिक्षा अभियान जो लागू हुआ था, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हमने की थी, UEE की बात की थी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की थी. तो हमने उन सब चीजों में एक ही चीज कॉमन पाई है कि सभी का जो फोकस है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, प्राइमरी शिक्षा को फ्री और कंपल्सरी करना जो एज 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चे हैं. तो प्राइमरी शिक्षा को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, उसमें और क्या बेनिफिट ला सकते हैं, तो ये मिड डे मील एक उसी का छोटा सा पार्ट है कि प्राइमरी एजुकेशन में मैक्सिमम बच्चों को इनरोल करने के लिए मिड डे मील स्कीम लाई गई थी, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये सारी चीजें हो गई थी. और तो आपको पता है कि इन सब का जो अल्टीमेट हमारा एम यही था कि प्राइमरी शिक्षा को कैसे अच्छा किया जाए, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा का जो स्ट्रक्चर था हमारे इंडिया में बहुत ही खराब था. और उसी चीज को खत्म करने के लिए, इवन जो स्टैग्नेशन आते थे प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन में, यूई में बहुत सारे स्टैग्नेशन और जो वेस्टेज था, यानी ब्लॉकेज था, स्टैग्नेशन था, तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए हमने मिड डे मील भी बनाया, SSA भी बनाया, UEE भी बनाया, ताकि किसी हद तक हमारे देश की जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर है वो सुधर सके. क्योंकि देखिए, जब तक हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा नहीं सुधरेगी तो हम आगे की शिक्षा की बात कर ही नहीं सकते, है ना. यानी कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो हम पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, पहले क्लास 1 में जाएंगे, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर करते करते अल्टीमेट हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे. तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, हम किसी चीज को डायरेक्टली या शॉर्टकट तरीके से थोड़े कि हमने प्राइमरी नहीं पढ़ा, अपर प्राइमरी नहीं पढ़ा और डायरेक्टली हायर में चले गए, ठीक है. तो इन सब चीजों को ही प्रमोट करने के लिए बात की गई थी मिड डे मील में भी, और मिड डे मील से बहुत बेनिफिट भी मिला, प्राइमरी एजुकेशन को हेल्प भी मिली.
एट द प्राइमरी लेवल अ लार्ज, आज मैंने वही बात की कि जो मतलब आपका प्राइमरी लेवल था इस शिक्षा का हमारे भारत में बहुत ही खराब था, और उसी चीज को मतलब उसी चीज की वजह से या उसी चीज को खत्म करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए मिड डे मील मैन। तो उसका रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन देखिए पॉवर्टी था, भारत के लोग काफी गरीब थे, ठीक है। तो वो बच्चे को पढ़ाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि उनको दो वक्त का खाने के लिए भी मजदूरी करनी पड़ती थी, ठीक है। और वो भी कैसे वो अरेंज करते होंगे वो वही जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था? पॉवर्टी था, गरीबी था, फिर लॉन्ग डिस्टेंस स्कूल, और जो स्कूल बनाए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, और जो भी मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो या राज्य की गवर्नमेंट हो, तो जो स्कूल बनाए गए थे वो बच्चों के घर से काफी दूर था, तो बच्चे इसलिए भी पीछे हट जाते थे। तीसरा था लैक ऑफ टीचर्स, टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थे, क्वालिफाइड टीचर्स की कमी थी स्कूलों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट है हमारा बैड ट्रेडिशन एंड कस्टम, हमारे बुरे रीति रिवाज हैं जो लड़कियों को भी भेजना नहीं चाहते स्कूल, उनको अपने काम में एंगेज कर देते हैं। और दूसरी चीज उनको खाने को नहीं मिलता था, तो वो अपने बच्चों को भी कम स्टेज में एज में क्या करते थे, अपने साथ काम में लगा लेते। तो ये सारे फैक्टर्स थे, इंगेज इन वर्क एंड अर्ली एज, तो बच्चों को ही चाइल्डहुड की अवस्था में ही काम में लगा लिए ताकि थोड़ा घर में पैसा आ सके और उनका रोजी रोटी चल सके। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स थे, इन फैक्टर्स को दूर किया काफी हद तक मिड डे मील ने, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट रीजन फॉर वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन इन स्कूल्स इन फैमिलीज पॉवर्टी। आपको मैंने बताया कि गरीबी ही बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से बच्चों को काम में बहुत ही जल्दी एज में लगा दिया जाता था, उनको काम में संलग्न कर दिया जाता था अपने माता पिता के साथ। तो पढ़ाई की बहुत दूर की बात है, पहले वो अपने पेट भर ले, इसके बाद वो पढ़ाई की बात करेंगे, क्योंकि भूखे पेट तो किसी से भी पढ़ाई नहीं हो सकती, चाहे वो हम हो या आप हो, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज की डेट में जो भी बंदा काम कर रहा है वो रोटी कपड़ा और मकान रोटी के लिए ही कर रहा है, कपड़ा और रोटी कपड़े के लिए तो कर ही रहा है, मकान उसकी थर्ड प्रायोरिटी, लेकिन जो प्राइमरी नीड हमारी होती है वो हमारी रोटी होती है, ठीक है। हमारी भूख होती है, हम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते और बहुत दिन तक भूखे जिंदा भी नहीं रह सकते, तो ये एक फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट हमारा हैंस प्राइमरी मिड डे मील के तहत क्या किया गया था? आपको पता है कि जब प्राइमरी एजुकेशन लागू हुआ था, यूई लागू हुआ था, तो उसमें बच्चों को टेक्स्ट बुक फ्री दी गई थी, बैग्स फ्री की दिए गए थे, इवन उनकी यूनिफॉर्म को भी फ्री कर दिया गया था, उनके उनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया था, फ्री एयर कंपलसरी कर दिया गया था, और उनके लिए उनको कोई भी संस्था बैन नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, ठीक है, तो उनको एडमिशन देगी। तो ये भी निकल कर आया था मिड डे मील से। तो जो उनको लंच प्रोवाइड कराया गया था बीच में, है ना, प्राइमरी कंडीशन को सुधारने के लिए, क्लास में एनरोल होने के लिए, स्कूल में एनरोल होने के लिए, ठीक है, उनके लिए ही ये मिड डे मील का प्रोग्राम था। और मिड डे मील इसी को कहते हैं, मिड डे लंच भी कह सकते हैं, हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे तो मैंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। अभी हम बात करते हैं मीनिंग। तो मीनिंग का मतलब ये था कि प्राइमरी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, और जो स्कूल छोड़ के भाग जाते थे अपनी गरीबी की वजह से या किसी काम की वजह से, तो उनको प्रमोट करने के लिए भी मिड डे मील ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। और इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे, ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन भी मिल सके, जो बच्चे भूखे हैं अपनी गरीबी की वजह से, जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, ड्रेस नहीं मिलता है, तो कम से कम वो भूख के लालच में ही स्कूल में आएंगे, और स्कूल में आकर कम से कम शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और उनके साथ साथ खाना भी खाएंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ा इंसेंटिव था उनके लिए, प्रलोभन था एक तरीके से आप बोल सकते हैं, कि बच्चों को खाना दिया जाएगा तो वो जरूर आएंगे, क्यों? क्योंकि भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा मिड डे मील स्कीम, सच स्कीम्स अंडर विच चिल्ड्रेन आर प्रोवाइडेड द लंच इन स्कूल। तो यहाँ मिड डे मील में क्या होता था, जो भी हमारे सरकारी स्कूल होते थे उसमें जो लंच था वो बच्चों को स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड कराया जाता था, ठीक है। और क्वालिटी फूड की बात की जाती थी, कि बच्चों को अगर देना है खाना तो क्वालिटी फूड की बात की जाएगी, क्वालिटी फूड इन द सेंस की जो भी कंटेंट या जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा वो क्वालिटी फुल होगा, एक्सपायर नहीं होगा, चाहे वो तेल हो, सब्जी हो, वेजिटेबल्स हो, हर टीचर अच्छी ना बैलेंस डाइट की बात की जाएगी, तो बच्चों को स्वस्थ तरीके से बना हुआ, किचन साफ सुथरा हो, हाइजीन मेंटेन हो, इस तरह की चीजों को भी वहां पे फॉलो किया गया, ठीक है, ताकि मिड डे मील में क्वालिटी फूड की बात की जाए। इन विच द ही स्टेट द स्कूल, ताकि उनको क्या हो, मिड डे मील मिले तो वो बच्चे स्कूल में रुके, अपने आप को इनरोल करें, इनरोल करने के बाद अपने आप को क्लास 8 तक एटलीस्ट एनरोल रिटेन करें, यानी कि अगर उन्होंने क्लास 8 फर्स्ट में एडमिशन लिया है, एनरोलमेंट लिया है, तो वो क्लास 8 तक एनरोल कर सके और अपने आप को रिटेन कर सके। आपको बता दें मिड डे मील जो स्टार्ट हुआ था वो 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 15 अगस्त 1995 से। और अगर आज की डेट में हम बात करते हैं तो जो मिड डे मील है वो 238 डिस्ट्रिक्ट में लागू है और 248 विकास खंड है जो कंडक्ट करा रहे हैं मिड डे मील की स्कीम को प्रॉपर तरीके से। 238 डिस्ट्रिक्ट है और 248 विकास खंड है मिड डे मील के लिए, ठीक है।
तो मिड डे मील का एक प्रोविजन भी था, ऐसा नहीं है कि मिड डे मील दे दिया है। मिड डे मील का मंडे टू फ्राइडे का प्रोविजन होता था, और प्राइमरी के लिए कितना था, पहले तो ये प्राइमरी में था, अब धीरे धीरे करके सेकेंडरी लेवल पे भी आ गया, यानी कि अपर प्राइमरी में भी आ गया है। अपर प्राइमरी इन द सेंस कि पहले ये क्लास 1 से 5 के लिए था, अभी 6 से 8 के लिए भी हो गया, यानी कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूल में प्राइमरी मिड डे मील का प्रोग्राम है। नेक्स्ट है मील प्रोविजन क्या था। तो मील प्रोविजन देखिए क्या था, ये क्वालिटी, ये आइटम्स हैं, और क्वालिटी जो ये क्वांटिटी पर डे चाइल्ड था प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए। तो फूड ग्रेन क्या होता था, अगर प्राइमरी का स्टूडेंट है या बच्चा है तो उसको 100 ग्राम पर डे, ठीक है, और अपर प्राइमरी का है तो 150 ग्राम पर डे। एक फ्लो चार्ट है, और एक फ्लो चार्ट जो है ये फूड नॉर्म अकॉर्डिंग टू 1/12/2019 का, ये 19 के हिसाब का इफेक्ट है, जब 19 का इफेक्ट लगा था तब का है ये, ठीक है। अभी करंट में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, अभी तो मंडे टू सैटरडे का मेनू डिसाइड हो गया है, संडे ऑफ रहता है, तो 1 से 6 दिन का मेनू भी स्टार्ट हो गया है, और उन 1 से 6 दिन में आपको 4 दिन राइस की वैरायटी मिलेगी खाने को, राइस से बना खाना मिलेगा, ठीक है। 2 दिन उसमें गेहूं का भी मिलेगा, उसमें भी बहुत सारे हैं, मंडे टू फ्राइडे अलग अलग शेड्यूल है आपका, ठीक है। उसमें दलिया भी है आपकी, खिचड़ी भी है, कढ़ी चावल भी है। तो जैसा जैसा डेज है, जैसा जैसा स्कूल ऑर्गेनाइज करा पाती है, कमेटी ऑर्गेनाइज करा पा रही है, जो भी बजट उससे मिल रहा है, तो उसके हिसाब से वो मिड डे मील प्रोग्राम को कंटिन्यू करा रही है। नेक्स्ट हमारा पल्सेस, अगर पल्सेस यानी कि प्रोटीन ही हो गया एक तरीके से, तो जो प्रोटीन यानी पल्सेस की बात की गई, तो प्राइमरी के लिए 20 ग्राम था, अपर प्राइमरी के लिए 30 ग्राम था। वेजिटेबल्स में लीफी वेजिटेबल्स कोशिश की गई थी, सीजनल वेजिटेबल्स कोशिश की जाती हैं कि दी जाए, उसमें 50 ग्राम था और प्राइमरी के लिए, और अपर प्राइमरी के लिए 75 ग्राम। ऑयल एंड फैट में तो प्राइमरी के लिए 5 ग्राम है और ये अपर प्राइमरी के लिए 7.5 ग्राम है, ठीक है। सॉल्ट तो जैसा वो खाना चाहे, ठीक है। तो ये 2009 के फैट के अकॉर्डिंग था मील प्रोविजन, आप इसे याद रख सकते हैं। नाउ ग्रीन सप्लाई का काम करते कौन कौन करता था। ग्रीन सप्लाई का काम इन द सेंस कि कहाँ से फूड मिलेगा उन्हें, तभी ना स्कूल बनाएगा। स्कूल अपने अपने किसी पर्सनल फंड से या टीचर्स की सैलरी से तो बनाएगा नहीं। तो ग्रीन सप्लाई फॉर मिड डे मील, इसके लिए क्या था, इसके लिए जो भी ग्रीन अप्रैल करता था वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो भी उनको ग्रेन मिलती थी या ग्रेन सप्लाई होती थी वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बिल्कुल फ्री होती थी, यानी कि जो उन्हें अनाज गेहूं चावल और जो भी मटेरियल मिलता था वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। इसके लिए फूड कॉरपोरेशन इंडिया ने अपोर्ट कर रखा था इसको, ठीक है। फॉर कुकिंग एंड क्वालिटी ऑफ अ फूड और स्टैंडर्ड ऑफ अनाज, तो जो क्वालिटी थी फूड की और कुकिंग का जो स्टैंडर्ड था वो पर स्टूडेंट अगर देखा जाए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से तो 2 रुपये पर स्टूडेंट बैठता था ये, ठीक है। और कन्वर्जन विजिट हैज बिन कैप, और मतलब उनकी छानबीन भी की जाती थी, वन ऑफ विच इज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री। तो जो ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन का ही ब्लॉक है, आप ध्यान रखते हैं, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है। तो ये सारी चीजें अब मिड डे मील का जो प्रोविजन है वो MHRD के अंतर्गत आता है, यानी कि MHRD अपने स्टेट लेवल पे नोडल अधिकारियों को, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड अवेलेबल करा देगा। मिड डे मील के लिए एक चेक मिलता है और वो चेक अवेलेबल करा देता है, जिससे स्कूल वो मिड डे मील वाले जो मतलब स्कूल्स हैं जहाँ पे लागू की गई है वहाँ पे जाके ये चेक दे दिया जाता है किसी अधिकारी के थ्रू या किसी भी मेंबर के थ्रू, और वो अपनी फंडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसी फंडिंग के हिसाब से अपने मिड डे मील के ग्रेन्स को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं इसको। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, कि बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन मिले क्लास 1 से लेकर 5 तक, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो एडेड स्कूल हो, ठीक है। और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार रहे इस फूड में, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था। दूसरा था इनकरेजिंग द चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू द डिसएडवांटेज सेक्शन। डिसएडवांटेज सेक्शन का मतलब यहाँ पे कि वो जो वो गरीब बच्चे जिनको खाना भी नहीं मिलता, रोटी कपड़ा कुछ भी नहीं मिलता है, और अब सोसाइटी से बिल्कुल भी मतलब डिनाय कर दिए गए हैं, उनको बिल्कुल मार्जिन कर दिया गया है, तो उन बच्चों की हेल्प के लिए भी था कि प्राइमरी एजुकेशन के माध्यम से उनको स्कूल में बुलाया जाए, उनके पेरेंट्स को बताया जाए कि यहाँ पे मिड डे मील चल रहा है, तो उन्हें खाने के लिए भोजन भी मिलेगा उनके बच्चों को, इससे वो बच्चे क्या होंगे आकर यहाँ पे क्लासरूम में एक्टिविटी भी करेंगे और उसके साथ साथ उनको भोजन भी दिया जाएगा, ठीक है। उनको इनकरेज करने के लिए किया गया था कि अगर एक आएगा तो एक तारीफ सुनेगा दूसरे के मुंह से, तो दूसरा बंदा भी आएगा, दूसरा बच्चा भी आएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा था कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन को कैसे खत्म करना है और कैसे कम करना है। वेस्टेज का मतलब बर्बाद, स्टैग्नेशन का मतलब रुकावट। कुछ लोग क्या होते हैं कि क्लास में कई बार फेल हो जाते हैं तो उसको हम वेस्टेज बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, और स्टैग्नेशन का मतलब रुकावट होता है, एक तरीके की ब्लॉकेज हो जाती है। कुछ लोग किसी काम की वजह से क्या करते हैं, बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, वो स्टैग्नेशन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड बिटवीन द स्टैग्नेशन एंड
वेस्टेज, डिफरेंस क्लियर हो गया। वेस्टेज का मतलब है कि एक ही क्लास में आप कई बार पढ़े, मतलब एक क्लास में आप फेल हो गए एक दो बार, तो वो वेस्टेज हो गया। और स्टैग्नेशन का मतलब हुआ किसी रीजन की वजह से आपने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया या छोड़ दिया, वो रुकावट हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनकरेजिंग द चिल्ड्रेन फ्रॉम पुअर टू पुअर इनकम, मतलब उन गरीब बच्चों को भी इन्वाइट किया गया था और उन गरीब बच्चों को भी की भी देखी गई थी जिनका क्या है हाउस होल्ड इनकम, स्टडी भी बहुत कम थी, उनकी इनकम बहुत लो थी, पुअर फैमिली से थे, तो उन बच्चों को भी प्राइमरी शिक्षा के माध्यम से एनरोल कराकर मिड डे मील का खाना प्रोवाइड किया जा रहा था। इंक्रीज इन द एनरोलमेंट, इससे क्या हो रहा था कि जो मतलब बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे थे वो भूख के लालच में स्कूल आ रहे थे, है ना। जिसको अच्छा खाना मिलेगा तो वो स्कूल क्यों नहीं आना चाहेगा, स्कूल भी फ्री में मिल रहा है। तो ये एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए भी ये प्रोग्राम लर्न कराया गया था, और उसका छोटा ऑब्जेक्टिव तो यही था कि एनरोलमेंट को इंक्रीज किया गया था। नेक्स्ट हमारा अंडर दिस स्कीम द फुलफिल द गोल ऑफ यूई, यूई का जो गोल था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को हम यूनिवर्सली लेवल पे कंप्लीट कर सकें और उसकी प्रॉब्लम को खत्म कर सकें, तो सबसे बड़ा फैक्टर मिड डे मील भी था, मिड डे मील काफी प्रमोट हुआ इन सब चीजों में। नेक्स्ट है हमारा इनकरेजिंग द चिल्ड्रेन टू द एम्प्लॉयड सिंस चाइल्डहुड फॉर द टू टाइम्स ब्रेड, और दो वक्त के खाने के लिए भी उनको बोला गया, ताकि जो मतलब उनको प्रमोट मतलब ये कहा गया कि आपको पढ़ाई के साथ साथ खाना भी फ्री में मिल रहा है और आप आइए स्कूल में एडमिशन लीजिए और अपनी कम से कम क्लास वन से लेकर फिफ्थ तक और एट्थ तक जो वो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को कंप्लीट किया जाए और उन्हें दो वक्त की रोटी अवेलेबल कराई जाए। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग लव सॉलिडेटरी या एम्पेशन बिहेवियर, देखिए एक साथ मिलकर जब बहुत सारे धर्म जाति के लोग खाना खाएंगे तो बहुत सारी अच्छी आदतें भी उनके अंदर डेवलप होंगी, जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना सीख जाएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होगा शिक्षा के माध्यम से, और वो एक साथ खाना खाएंगे तो उनके अंदर पेशेंस की क्वालिटी भी डेवलप होगी, ठीक है, प्यार भी उमड़ेगा चाहे वो किसी भी धर्म के हों किसी भी जाति के हों, ठीक है, और स्कूल सर्व करेगा तो जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्स हु गो टू द वर्क, जो पेरेंट्स अर्ली मॉर्निंग मजदूरी पे निकल जाते हैं तो उनके बच्चों को खाना नहीं मिलता है, तो वो बच्चे भी यहाँ आते थे और उनको खाना मिलता था मिड डे मील के, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मिड डे मील की, मिड डे मील की देखिए इम्पोर्टेंस ये है, एक चीज और बता दूं मैं, मिड डे मील आपको ध्यान होगा तो हमेशा मिड में ही रखा जाता है, मिड में इसलिए रखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि सुबह बच्चे आए तो उनको तुरंत खाना मिल गया और वो खा के 9-2-11 हो गए, है ना। बच्चों के अंदर ये होता था कि खाने के लालच में जाते थे, वो पढ़ने के लालच में तो जाते नहीं थे, ठीक है, तो अपना खाना खाए और निकल लिए, तो इसका ये प्रोविजन रखा गया था प्लान की मिड का मतलब मिड डे मील का नाम यही था कि अगर आपका 8 से 12 का स्कूल है तो जो मिड टाइम होता है 8 से 12 के बीच में, मान लीजिए 10:30 रखा गया, तो 10:30 से पहले वो 8 से लेकर 10:30 तक जो क्लासेस करेंगे वो, उसके बाद उनको लंच मिलेगा, ठीक है, उसके बाद उनको मिड डे मिलेगा, तो बच्चों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए या उनके अंदर स्टडी वाली क्वालिटी डेवलप करने के लिए, स्टूडियस बनाने के लिए, उनके अंदर पेशेंस डेवलप करने के लिए भी मिड डे मील ने बहुत हेल्प की, ठीक है, इसीलिए उसकी टाइमिंग मिड में रखी गई, इसीलिए उसको मिड डे मील स्कीम बोलते हैं, ना कि सुबह बच्चा आया और उसे खाना दे दिया और वो खा के निकल गया, तो ऐसा नहीं था, वो 2-2.5 घंटे पहले आके स्कूल में उसने पढ़ाई की, जिससे क्या हुआ बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा, है ना, बच्चों के अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति डेवलप हुई, उनके अंदर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड डेवलप हुआ रिगार्डिंग द स्टडी, ठीक है, तो जब वो स्टडी के अंदर एप्टीट्यूड डेवलप हुआ उसके बाद उनको खाना मिल गया तो उन्होंने अच्छे से खाना खाया, उसके बाद वो रिटेन भी किए, है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा इसको आप। नेक्स्ट हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मिड डे मील स्कीम, इसकी नीड क्या है, सोशल डेवलपमेंट, बच्चा एक साथ एक ही सोसाइटी में एक ही स्कूल में रहकर खाना खाएगा तो उसकी बहुत